हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंतिशा रुबा। आज हम आप लोगों को क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। देखिए, कल हमने आप लोगों को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ाई थी, 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड थी जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब उसके बाद अगला टॉपिक है आप लोगों का मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब जो फूड आपका डाइजेस्ट होता है उसकी मैकेनिज्म क्या है और वो कितने स्टेप में आपका फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो हम जब फूड खाते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो फूड के साथ साथ हमारी बॉडी में जाते हैं। तो उन कंपोनेंट्स का जो डाइजेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और मेन 5 प्रोसेसेस में होता है। तो उसी 5 प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। तो अब हम आप लोगों को इन्हीं 5 प्रोसेस को एक एक करके पढ़ाएंगे। देखिए, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। पहला आप लोगों का पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिम द्वारा फूड को माउथ से इनटेक करना, मतलब मुंह में खाने को रखना ही इंजेशन कहलाता है। उसके बाद जब आप खाना मुंह में रखते हैं तो लार निकलती है, सलाइवा निकलती है जो खाने को चिपचिपा बना देती है, टीथ उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं और खाना जो होता है आप लोगों का वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। तो ये आप लोगों की पहली प्रोसेस जो है वो इंजेशन कहलाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। इसका मतलब हुआ किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपल फूड मटेरियल में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। तो जब आपने खाना खा लिया, चबा लिया, उसके बाद जब वो पेट में गया, निगल लिया, तो फिर उसका वहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेशन स्टार्ट होता है तो आपका फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल में टूटना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद इसमें इनकी हेल्प करते हैं बहुत सारे एंजाइम जो आपके स्टोमक में पहले से ही मौजूद होते हैं, जो हमने आप लोगों को कल बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCL, पेप्सिन, म्यूकस और बहुत सारे एंजाइम। तो ये सारे एंजाइम मिलकर पेट में डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं और आपका फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटने लगता है। अब देखिए ये क्या मैकेनिज्म है जिससे फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूटता है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, इट इज़ कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग मेन स्टेप। पहला देखिए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इनिशिएट्स इनसाइड माउथ, स्टार्च इज कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर बाय स्लेवरी एमाइलेज। जब आप खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट आपकी लार से रिएक्ट करता है जिसमें स्लेवरी एमाइलेज या टाइलिन नाम का एंजाइम होता है और वो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। उसके बाद फिर क्या होता है, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंड रेनिन। आपके स्टोमक में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिसमें पेप्सिन और रेनिन होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। देखिए, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म पेप्टोन होता है, तो जो अमीनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको पेप्सिन और रेनिन जो होता है वो तोड़ देता है, तो आपका प्रोटीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट जाता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। आपका जो फैट होता है उसका इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन मतलब होता है फैट का डाइजेशन। तो जो फैट होता है वो आपका बाइल जूस फैट को इमल्सिफाइड कर देता है और आपका फैट जो होता है वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट बाई लाइपेज, उसके बाद लाइपेज एंजाइम जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट को भी सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है। लास्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड ग्लूकोज एंड फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस। पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस से आपका खाना जो होता है वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, अमीनो एसिड ग्लूकोज और फैटी एसिड में। ये खाने का सबसे सिंपल फॉर्म है और उसके बाद आपका स्टोमक में डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया, आपका फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप है आप लोग का एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। इसमें होता क्या है कि आपका जो डाइजेस्ट फूड है, मतलब जो पचा पचाया खाना है, वो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई होती हैं वो उसको डाइजेस्ट करती हैं और उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, मतलब किसी भी डाइजेस्ट फूड का एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब होना और एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिलना, ये प्रोसेस जो होती है वो एब्जॉर्प्शन कहलाती है। ये विलाई से होती है जो आंतों में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए चौथा स्टेप है आप लोगों का एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में जो आप लोगों का डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखिए, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्ट फूड प्रोडक्ट्स टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी द विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इसका मतलब हुआ कि जो आपकी विलाई हैं वो ब्लड वेसल्स तक और आपके ब्लड तक एब्जॉर्ब फूड को पहुँचा देती है। उसके बाद फिर उस एब्जॉर्ब फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना की प्रोसेस जो होती है वो एसिमिलेशन कहलाती है। और लास्ट स्टेप जो आप लोगों का होता है वो होता है
ई जशन, अब आप लोग का खाना, अब आप लोग का खाना जो है वो पूरी तरीके से पच चुका है, और पचने के बाद अब उसमें जो कुछ वेस्ट मटेरियल बचे हुए हैं वो वेस्ट मटेरियल स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम और एनस तक जाएंगे और बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे, तो वो प्रोसेस आप लोगों की इजेशन कहलाएगी। इसका मतलब हुआ कि बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करना ही आपका इजेशन कहलाता है। तो इस तरह आपके डाइजेशन की जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो 5 स्टेप में कम्प्लीट हुई। इंजेशन, जिसमें आपने फूड इंटेक किया, फिर डाइजेशन, जिसमें आपने फूड को लिया मतलब डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्प्शन, जिसमें आपने फूड आपका एब्जॉर्ब हुआ, और उसके बाद एसिमिलेशन, जिसमें आपका फूड एनर्जी बनी, और इजेशन, जिसमें आपके फूड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो गया। तो इन 5 स्टेप में आपकी डाइजेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। अब देखिए, एक अलग सा टॉपिक हम आप लोग को पढ़ा देते हैं, इसमें दिया गया है अलग से बॉक्स में करके, इसको अलग से आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। पेरिस्टिलेसिस, पेरिस्टिलेसिस मतलब होता है ये घटना होती है जो डाइजेशन के टाइम पे होती है और पेट में होती है। देखिए, जो हम लोग का स्टोमक होता है वो मस्कुलर होता है, थैले लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जब खाना उसमें जाता है तो पेट में एक अनवांटेड मूवमेंट होता है, मतलब पेट आप लोग का जो होता है वो हर टाइम खाने को मथा करता है, हिला करता है, और उसको चारों तरफ से खाने को पचाता रहता है। तो पेट के इस अनवांटेड मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टिलेसिस कहते हैं इस घटना को, और इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टिलिटिक मूवमेंट। इसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल और स्टोमक में आपके फूड का डाइजेशन जो होता है वो आसान हो जाता है, और ये एक आप लोगों की अननेसेसरी या आप लोगों की समझ लीजिए अनवांटेड प्रोसेस है, मतलब आप इसको चाह कर भी नहीं रोक सकते। तो ये प्रोसेस जो होती है ये स्टोमक में हर टाइम होती रहती है, और पेट आपका खाने को मथा करता है, पचाया करता है, और इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टिलिटिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ से टॉपिक कम्प्लीट हो गया है। अब देखिए, आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, ये आप लोगों को 5 स्टेप में पूरा लिखना है, 5 स्टेप में पूरा आप लोगों को लिखना है, और लास्ट में आप लोग पेरिस्टिलेसिस लिख लीजिएगा। आप लोगों का यहाँ से टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग का न्यूट्रिशन जो पहली लाइफ प्रोसेस थी वो आज यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम आप लोग को दूसरी लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे। तो इतना आप लोग लिख के फिगर बना लीजिएगा और नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।